करना, बंद कर दो जी बटन को। और क्या कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? हेडिंग डालो हाइपर कॉन्जुगेशन। हेडिंग डाले, क्या डाले? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन जिसको एच इफेक्ट भी कहते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? नो बॉन्ड रेजोनेंस is known as hyperconjugation. ठीक है, no bond resonance is known as hyperconjugation. It just like a resonance होगा, ठीक है, लेकिन इसमें फर्क क्या होगा ना, वहां पे delocalization of क्या था? pi bond था। delocalization of क्या था? pi bond था। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या था तुम्हारा, कि टोटल चार्ज जो है नजर आता था, पॉजिटिव डेल्टा, सॉरी टोटल चार्ज नहीं, पार्शियल चार्ज वो होता था, दैट इज डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। ठीक, रेजोनेंस में हम लोग क्या देखें कि कंप्लीट चार्ज नजर आता था, क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक करता था। बात समझ में आया? तो पॉजिटिव और नेगेटिव नजर आता था, और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता था। यहां पे डिलोकलाइजेशन तो होगा, एक तरह से बॉन्ड ब्रेक तो करेगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे। कौन सा बॉन्ड होगा तुम्हारा? सिग्मा। ठीक है, अब सिग्मा टूटेगा तो मान लेते हैं कुछ बाहर निकल गया बॉन्ड टूट करके, तो बचा हुआ जो रहेगा उस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव या फिर मान लेते हैं नेगेटिव, और बगल में फिर तुमको क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड, तब फिर रेजोनेंस वाला तुम्हारा काम होगा। बात समझ में आया क्या बोले हम? लेकिन वो किसकी वजह से होगा? सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की टूटने वजह से। इसीलिए इसका नाम क्या रखा? नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब बॉन्ड टूटा, अब बॉन्ड वाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करवाया? ये रेजोनेंस करवाया। ठीक है, इससे भी स्टेबिलिटी जो है कंपाउंड का बढ़ता है। बात समझ में आया? स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड जो है इससे भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन भी जो होता है ना, ठीक है, एच इफेक्ट जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लस एच इफेक्ट, मेनली यही होता है। ठीक है, और माइनस एच, माइनस एच, माइनस एच नहीं के बराबर होता है, उसको नहीं मानो। तुमको क्या जनरली कंसिडर करके चलना है? प्लस एच। इज दैट क्लियर? क्या कंसिडर करके चलना है तुमको? प्लस एच। और इसका एप्लीकेशन तुम्हारा किस में मिलेगा? ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन
स्टेबिलिटी ऑफ ठीक है डबल बॉन्ड, ठीक है बात समझ में आया, स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड, फिर एक तरह से स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ठीक है, और यदि माइनस वाला है तो फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, जो कि उतना तुमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है कार्बिन ध्यान में रखना, ठीक है कार्बिन का भी हम लोग देखेंगे लेकिन वो आगे, ठीक है। तो ये चीज अपने को देखने को मिलता है, बेसिकली स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है, बात समझ में आया। अब देखो कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है, उस चीज को देखो, ठीक है। सबसे पहले लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बोकैटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बोकैटायन समझ में आया, ठीक है। देखो कैसे होता है और हम क्या जो समझा रहे थे उसका मतलब क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे हो रहा है देखना जरा सा। अब जैसे कि ये तुम्हारे पास है CH2 पॉजिटिव और ये क्या है तुम्हारे पास CH2 और ये क्या है तुम्हारे पास CH3 मान लेते हैं, ठीक है CH3, ये ऐसा CH3 और CH2 है यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे इथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है क्या बोलेंगे इसको इथाइल कार्बोकैटायन, बात समझ में आया। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं CH2 पॉजिटिव और ये C और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है कार्बोकैटायन कार्बन आयन, ठीक है फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन जो होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, ठीक है लिखो कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बो डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन यानी प्लस वाला चार्ज, ठीक है प्लस चार्ज ऐसे लिखो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली अटैच्ड विद पॉजिटिव चार्ज कॉमा नेगेटिव चार्ज कॉमा फ्री रेडिकल कॉमा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है कॉमा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो फंक्शनल ग्रुप से भी जुड़ा हुआ कार्बन, मतलब पहला वाला जो कार्बन रहता है अल्फा कार्बन कहते हैं, वो आगे बता देंगे, ठीक है अभी फिलहाल के लिए इतना ठीक है सफिशियंट है, इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एंड द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एंड द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा रेजोनेंस वाला जब पढ़ा रहे थे ना तो शायद हमको लग रहा है ना कि वो बॉन्ड लेंथ थोड़ा हमको लगता उल्टा लिख दिए थे शायद बेंजीन वाला, जरा एक बार चेक कर लेना हमको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है बोर्ड पे, मतलब बताए थे हम सब कुछ क्लियर सही था उसमें कोई दिक्कत नहीं था लेकिन लिखते वक्त शायद गलत लिखे थे शायद, थोड़ा चेक कर लेना। इसको हमको लगता है क्या कंसिडर किए थे देख लेना जरा सा, ये ऐसा था ना ऐसा ही था ना, तो इसको बोले थे ए इसको बोले थे बी इसको बोले थे सी, यही है ना ठीक है पहला स्ट्रक्चर ये था ना, तो हम क्या बोले कि बॉन्ड लेंथ जो है वो किसका ज्यादा होगा बीसी का ज्यादा होगा एबी से, ये होगा ऐसा लिखा, यदि लिखा गलती से यदि लिख दिया होंगे एबी ग्रेटर देन बीसी तो ठीक कर लेना, आपको ऐसा याद आ रहा है ऐसा नहीं ना है एबी ग्रेटर देन, हाँ तो अच्छा है ना उसको करेक्ट कर लो ये वाला कर लो, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ना डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ क्या होगा कम होगा, बताएं ठीक थे हमको वही अभी ऐसा लगा कि शायद ऐसा हुआ होगा, करेक्ट कर लो ठीक है। और दूसरा या फिर एक काम करो वो भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको ही चेंज कर दो
या फिर तुमको जो लगे, या तुम ऐसे लिखोगे तो लिखो दे, नहीं तो फिर कुछ लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बॉन्ड लेंथ तुम्हारा क्या, सिंगल बॉन्ड का ज्यादा डबल बॉन्ड से, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा किसका हो जाएगा, बीसी वाले का हो जाएगा 1 और एबी वाले का हो जाएगा 2, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, जस्ट इनवर्सली, बॉन्ड एनर्जी में तुम्हारा एबी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बीसी, ठीक है। और दूसरा वाला जो कंपाउंड था उसका डबल बॉन्ड का केवल लोकेशन तुम्हारा चेंज था, यानी कि ये यहाँ था, ये यहाँ था और ये यहाँ था, तो इसका एबीसी ऐसा करके था। तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस वाले में क्या हो जाएगा, इस वाले में जो स्ट्रक्चर और एक बनाए थे उसमें ए बी पाला वाला बॉन्ड लेंथ ए बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। और ये बी और सी का बॉन्ड ऑर्डर 2 और ए और बी का बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक है। और बॉन्ड एनर्जी तुम जस्ट उल्टा कर देना, बी सी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, देख लेना। चलो तो हम क्या बोले, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्लियर हो गया। तो बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, ठीक है। और ये सारे कौन से बॉन्ड है, सिग्मा, सारे कौन से बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटेगा, ठीक है, किधर टूटेगा, इधर टूटेगा या कार्बन की तरफ टूटेगा, कार्बन की तरफ, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये ऐसे टूटेगा और फिर देखना ये जो है किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस बाहर और फिर क्या बचा, H, C, और C पे क्या आया, नेगेटिव, और नेगेटिव और दोनों अब बगल में पॉजिटिव है, क्या बन जाएगा, CH2। समझ में आया, क्लियर हुआ। जो ऐसे हुआ है वो ऐसे भी तो हो सकता है, यदि हम ये वाला हाइड्रोजन को निकाल दें, ठीक है, देखो दूसरा हाइड्रोजन हम यही यहाँ निकाल रहे हैं, यदि हम दो हाइड्रोजन को निकालें, ये वाले हाइड्रोजन को निकालें, तो क्या बचेगा, H C H डबल बॉन्ड CH2, इज इट क्लियर, ठीक है। और यदि हम ये वाले हाइड्रोजन को निकालते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन को निकालेंगे तो क्या बनेगा, सी एच एच और ये रहा CH2। तो क्या जस्ट लाइक रेजोनेंस टाइप हो रहा है क्या, जहां पे पॉजिटिव चार्ज रहता था वहां क्या बनता था, डबल बॉन्ड बनता था, यहां भी डबल बॉन्ड बना, लेकिन नो बॉन्ड, बॉन्ड का ब्रेक होना, वही क्या बोला यहाँ पे, नो बॉन्ड, बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ जिसके कारण यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा। और कौन सा बॉन्ड टूटा है, यहाँ पे सिग्मा, डिलोकलाइजेशन ऑफ, एक तरह से सिग्मा बॉन्ड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक होकर के बाहर कौन निकल रहा है, देखो जी यहाँ निकल गया H प्लस, यहाँ भी इस केस में भी कौन निकला है, H प्लस, तो बाहर तुम्हारा कौन निकला है, H प्लस, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन है, कौन सा हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस H, ठीक है। और जिससे बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आए क्या, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 3 बार ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे उसको क्या बोले थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये क्या है, NBRS, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहेंगे NBRS, ध्यान में रखना, क्या बोलेंगे, NBRS, समझ में आया। तो 3 स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 बनते थे, 5 बनते थे, तो इसके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, NBRS, 3, विच इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन क्या, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा क्या बनेंगे, NBRS, और जितना ज्यादा NBRS बनेगा क्या उस कंपाउंड की उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी क्या, समझ में आया। यानी कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी हम लोग रेजोनेंस से भी समझे, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, बात समझ में आया, एक तो स्टेबिलिटी उससे पता चल जाएगी, या फिर वो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उससे समझ में आ जाएगा, बैक बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं वो सबसे समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन से भी समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा NBRS होंगे, और जितना ज्यादा NBRS होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, स्टेबिलिटी उस कंपाउंड को मिलेगा। इज दैट क्लियर, ठीक है, नोट करें। ना वो नहीं, टूटने के बाद ये वाला, ठीक है। तो इस आधार पे हम क्या लिख सकते हैं,
कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली टू नंबर ऑफ NBRS, सॉरी डायरेक्टली नहीं, इज इक्वल टू लिखेंगे ना, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ NBRS विच इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ध्यान में रखना, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, या फिर यू भी कह सकते हैं, ठीक है, कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ सी प्लस। तुमको बताना है NBRS, हाउ मेनी NBRS, will formed in given compounds, ठीक है। ये देखो, इधर मिटा दे क्या, चलो जी बताओ इसमें कितना बनेगा, कितना बनेगा, सेवन, अल्फा हाइड्रोजन जो होगा, अल्फा कार्बन, ये भी ध्यान में रखना sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, ये जो अल्फा हाइड्रोजन जो होगा ना, अल्फा कार्बन, ये तुम्हारा कौन सा रहता है, sp3, ये ध्यान में रखना थोड़ा सा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन मिलेगा, तुम सोच रहे हो वो कौन सा है, यहाँ हाइड्रोजन मिलेगा क्या, नहीं, चार बॉन्ड कंप्लीट है, कहाँ से मिलेगा, इसी पोजीशन पे तो ये कार्बन है, तो तीन यहाँ, टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, कितने बनेंगे, 6 NBRS, 6 आएगा आंसर। इसमें बताओ कितना मिलेगा, क्या कितना मिलेगा, 1, एक होगा, इसमें बताओ कितना मिलेगा, बोलो, तीन नजर आ रहा है, हाँ तीन मिलेगा, इसमें बताओ कितना होगा, इसमें बताओ कितना होगा, 0, क्योंकि इस सी पे फिर CH3 तीन है ना, तो अल्फा कार्बन तो ये है, लेकिन इस पे हाइड्रोजन एक भी है क्या, नहीं है, समझे। चलो नीचे वाले पे बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन है,
जीरो है ना, जीरो, क्योंकि ये तो बगल में तो कुछ नहीं है। चलो इसका बताओ कितना अल्फा हाइड्रोजन है, कितना होगा, सेवन। तीन यहाँ पे और एक यहाँ पे, समझे, एक बार भी तो छिपा हुआ है ना। इसका बताओ कितना होगा, कितना होगा, थ्री। दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, समझे, अल्फा हाइड्रोजन का समझ में आना जरूरी है। सिंपल सी तो चीज है, बगल वाला कार्बन जो रहेगा वो तुम्हारा अल्फा कार्बन कहलाएगा और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, अब बगल में कितने अल्फा, बगल में कितने हाइड्रोजन है, बगल में कितने कार्बन है, इतना तो तुमको ज्ञान अब तक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन या कार्बन आयन का लिखो। ठीक है, हो गया, ये भी बना लिए। अब लिखो कार्बन आयन वाला। ठीक है, हालांकि कार्बन आयन में नहीं निकलता है लेकिन फिर भी इसका है एक्सेप्शन पार्ट है। जैसे कि देखो, यदि तुम्हारा रहेगा CH3, ठीक है, और बगल में रहेगा CH2 निगेटिव, ठीक है, समझ में आ रहा, तो इसका हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, ये तुम्हारा यही, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH2 और बगल में C, ये H, ये H और ये H, यही रहेगा ना। यदि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, चूंकि H तो H प्लस लेके ही जाएगा, तो ये क्या बनता हुआ तुम्हारा नजर आएगा, बोलो, ये H प्लस, ये तुम्हारा रहेगा H, ये रहेगा C, ये रहेगा H, और C पे क्या आएगा, निगेटिव, और बगल में भी CH2 पे क्या है तुम्हारा, निगेटिव, और निगेटिव चार्ज एडजेसेंट एटम पे क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। तो ये हाइपर, इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि हम सराउंडिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ले लें देन कार्बन, यानी जो निगेटिव लेके बाहर निकले, तब यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव, तब तो बॉन्ड बनेगा, समझे। यानी कि फिर यदि हम ऐसा ले लें केस, CCl3 और ये CH2 निगेटिव, ये केस ले लें, तो फिर क्या रहेगा, CCl और ये तुम्हारा CH2 नेगेटिव, तब Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है क्या बनेगा, ये तुम्हारा Cl नेगेटिव, ये Cl कार्बन Cl और ये तुम्हारा CH2 नेगेटिव, और पॉजिटिव क्या बन जाएगा, बॉन्ड, समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से यदि इसको निकालेंगे हम, ये वाला यदि निकलेगा तो फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, Cl माइनस, ठीक है, और फिर क्या बचा, Cl C, ठीक है, C, सॉरी Cl, और ये क्या हो जाएगा, CH2 ऐसा। और यदि क्या करेंगे, इसको यदि हम लोग निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, Cl C, ठीक है, Cl, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये बाहर निकला ना, आ जाएगा Cl माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा
CH2 डबल बॉन्ड। देखो समझ में आया, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, माइनस एच और प्लस एच स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज, बट माइनस एच स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। हमेशा ध्यान में रखना कि प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज बट डी स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ लिख लेना, तो तुम लोग बोलने में एकदम माहिर हो ना, नोट। ठीक है, नोट लिख लेना। क्या लिखोगे कि क्या लिखोगे, प्लस एच स्टेबिलाइज पॉजिटिव चार्ज एंड माइनस एच एंड सॉरी एंड डी स्टेबिलाइज माइनस चार्ज। ठीक है, सिमिलरली माइनस एच स्टेबिलाइज नेगेटिव चार्ज एंड डी स्टेबिलाइज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और इसमें जो है माइनस एच में तुम्हारा कौन सा मिलेगा, ठीक है, माइनस एच के लिए तुम्हारा कौन सा मिलेगा, एक तो CCl3 CH2 नेगेटिव, एक ये मिलेगा और एक मिलता है तुम्हारा CBr3 और ये CH2 नेगेटिव। यही दोनों केवल करते हुए नजर आते हैं, CF3 नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इसलिए, और आई का चार मतलब साइज बहुत बड़ा होता है, वो सब रीजन हो जाता है। तो ध्यान में रखना केवल दो ही तुमको मिलेंगे, कौन कौन सा तुम्हारा, एक तो CCl3 CH2 माइनस और एक CBr3 CH2 माइनस फॉर माइनस एच। ठीक है, क्या ऑक्सीजन, टूटेगा नहीं ना, ब्रेक नहीं करता, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो बताओ तुम्हारा, यदि हम CCl3 कहें, CCl3 और ये बेंजीन रिंग दें यहाँ पे, तो बताओ ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस एच या माइनस एच, क्या करेगा, माइनस एच, ये क्या शो करेगा, माइनस एच। ठीक है, Cl जब निकलेगा तो Cl क्या लेकर के निकलेगा, क्या लेकर निकलेगा, माइनस। तो क्या इसके निकलने के बाद इस कार्बन पे Cl निकाल देते हैं हम, ठीक है, देख लो Cl यदि हम निकाल देंगे तो माइनस Cl कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस Cl करेंगे तो क्या निकलेगा, CCl2 नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या तुम्हारा रहेगा, बेंजीन रिंग, और जैसे ही बेंजीन रिंग रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये डबल बॉन्ड किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ, और उस कंडीशन में इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, हो गया ना, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अरे डबल बॉन्ड किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ, यानी इस कार्बन पे जाएगा और इस कार्बन पे जाएगा, तो क्या मिलेगा, CCl2 और डबल बॉन्ड फिर बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बन के यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, ये ऐसे फिर घुमाते रहो। ठीक है, समझे या नहीं समझे, Cl निकलेगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस सॉरी प्लस, और प्लस आएगा तो अरे CH2 वाला किए थे ना, CH2 पॉजिटिव और नीचे बेंजीन रिंग घुमा करके ऊपर ले गए थे, जस्ट लाइक वही तो है। ठीक है, ध्यान में रखना, अब लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, हेडिंग डालो हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल।
बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे किसका हम लोग देख रहे हैं, फ्री रेडिकल का ना, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल तो फ्री रेडिकल में क्या तुम्हारा रहेगा, कैसा रहेगा, सी एच थ्री और ये सी एच टू और ये फ्री रेडिकल, हो गया, आ रहा है ठीक। सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच टू क्या रहेगा, फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी एच, ये एच, ये एच और ये क्या रहेगा, सी एच टू फ्री रेडिकल, इज दैट क्लियर। अब बताओ ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, होमोलाइटिक टूटेगा या हेट्रोलाइटिक टूटेगा, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, दैट मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, अपना अपना कंट्रीब्यूशन लेगा, तो ये अपना लेगा और ये अपना लेगा, तो बाहर बताओ कैसे लेकर के निकलेगा, एच फ्री रेडिकल, अंडरस्टूड। और फिर क्या बचेगा, एच, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या बनेगा, सी एच टू, ठीक है। बॉन्ड टूटने से क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ये तो एच प्लस एच फ्री रेडिकल निकल रहा है, लेकिन ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जा रहा है, इज दैट क्लियर, दैट्स व्हाई इट गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या कर रहा, वो गेन कर रहा, समझ में आया। इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो कार्बोकैटायन का, कार्बन कार्बन आयन का, फ्री रेडिकल का, डबल बॉन्ड का, सबका स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक। अब ये ऐसा हो गया, अब वही यदि हम इधर से तोड़ेंगे, ठीक है, तो नीचे वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो है वैसे ही रहेंगे, ठीक है, और क्या बन जाएगा, एच फ्री रेडिकल। और यदि हम कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन को तोड़ते हैं, थोड़ा तुम लोग बड़ा बड़ा कर लेना, ठीक है, वो हाइड्रोजन को तोड़ते हैं, तो यहाँ पे एच रह जाएगा फ्री रेडिकल के साथ, और साथ ही साथ तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये तुम्हारे पास सी, ये एच और डबल बॉन्ड क्या बनेगा, सी एच टू, अंडरस्टूड। तुम्हारे एक बार देखो जितना अल्फा हाइड्रोजन है उतना ही NBRS बन रहा है, चाहे वो फ्री रेडिकल का केस हो या फिर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज का केस हो या फिर कार्बन आयन का केस हो, ठीक है। कार्बन आयन में तो उसको तो ना अलग से कंसिडर करो, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो जनरली तुम्हारा प्लस एच ही मान के चलो, ठीक है, माइनस वाला जो है वो तुम्हारा दो ही है, ठीक, बाकी सब तुम्हारा क्या रहेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब कि प्लस एच, ठीक है, बस। बात समझ में आया, क्लियर है। अब लिखो हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन, हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन, अब देखो जी, सबसे पहले तो हाइपर कंजुगेशन अल्कीन में कौन सा अल्कीन शो करेगा वो देखना होगा, ठीक है। तो सिंपल वही चीज देखेंगे, इफ अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट देन इट शोज हाइपर कंजुगेशन, सिंपल, इन अल्कीन आल्सो, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि यदि हम बात करें, ये तुम्हारे पास एक दिया हुआ है सी एच थ्री, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, ये ए है, और बी में तुम्हारा दिया हुआ है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, विच वन सो हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन, फर्स्ट और सेकेंड कितना होगा, कौन सा शो करेगा बताओ, कौन शो करेगा, फर्स्ट वाला। अच्छा, फर्स्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, तीन हैं। हम क्या बोले कि कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, ये इससे जो जुड़ा हुआ रहेगा वो कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, समझ में आया। कंफ्यूज नहीं करना, इसको मत काउंट करना, इसको मत काउंट करना, इन दोनों से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है,
तीन अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन इसमें जीरो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन सो ही नहीं करेगा। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम लोग देखें, ठीक है, तो देखो जरा सा इसमें बताओ सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है, सी एच टू और ये सी एच थ्री अल्फा हाइड्रोजन बताना है, ठीक है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री अल्फा हाइड्रोजन बताना है जी। सी एच थ्री अल्फा हाइड्रोजन बताना है और देखोगे चलो बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, कितने हैं? कितना है? तीन यहाँ दो यहाँ। किसको एकदम समझ में नहीं आ रहा इसके चारों, इसी के देखेंगे किसको एकदम अल्फा हाइड्रोजन समझ में नहीं आ रहा कोई है क्या? आ रहा है ना? इसमें बताओ कितने अल्फा, इसके देखो तीन 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 और तीन कितने हो गए? बारह। इसमें बताओ बोलो पांच, पांच कितने लोग बोल रहे हैं? सेवन कितने लोग बोल रहे हैं? सेवन। ये इसके चारों तरफ देखना है तो तीन तो यहां हुए, दो यहां होगा और दो यहां होगा। हाँ सब तरफ देखेंगे ना, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच विद अल्फा कार्बन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें बताओ कितना होगा? कितना होगा? ये होगा तीन, ये तीन, दो दो, कितना हो गया? टेन। इसमें बताओ कितने हो गए? ये देखो दो यहाँ होगा, दो यहाँ कॉर्नर पे दो ही रहता है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ है। अब यहाँ भी मिस्टेक हो रहा है तो अपना नोटबुक पलट के पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और जहाँ डाउट रहता है उसका डाउट क्लियर करो। नहीं तो बोले तो एक भी चीज पीछे का छूटा है बताया हुआ तो वो फिर जो आगे क्वेश्चन में परेशान करेगा। यहाँ दो यहाँ दो, यहाँ भी दो और यहाँ भी दो, टोटल कितने हो गए? सिक्स। अंडरस्टूड किस तरीके से हो रहा है? ठीक है, अच्छा सॉरी, ठीक। अब देखो अल्किन में कैसे होगा, जैसे मान लेते हैं ये अपना पास क्या है सी एच थ्री सी एच और ये डबल बॉन्ड सी एच टू, यही है ना अल्किन? ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच सी एच एच, ये सी एच और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सी एच टू। इज दैट क्लियर? अब यहां से हाइड्रोजन क्या लेके निकलेगा? एच प्लस, यानी बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ठीक है, जिससे ये तुम्हारा क्या बनेगा? ध्यान से देखना जरा साहब, यहाँ पे ये बनेगा एच प्लस, जो ऊपर गया बचा क्या? एच सी एच, और इस पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो सिंगल बॉन्ड सी एच और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सी एच टू। रेजोनेंस होगा क्या? रेजोनेंस होगा, और ये क्या होगा? ये टूट करके नेगेटिव चार्ज से दूर, और नेगेटिव चार्ज से दूर इट मींस कि ये क्या हो जाएगा? सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू नेगेटिव, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया। समझ में आया? इसीलिए ये अल्किन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। समझ में आया? ठीक है, उसी प्रकार से अब बाकी का इसका बना लोगे, ये एक का ये बनेगा तो दूसरे का, यदि हम दूसरे का निकालना चाहें ये, तो दूसरे वाले का क्या होगा? तुम्हारा H यहाँ C और ये H और ये H प्लस बाहर निकला, बचेगा क्या? सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और इसमें क्या रहेगा? नेगेटिव। अब क्या करेगा ये?
ये उठ करके यहां, जिससे क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, सबका वही बनेगा, बस हाइड्रोजन अलग अलग जगह से हट सकता है, मेरे बताने का मतलब ये है। अब ये वाला कर लोगे, इधर वाला बोलो हो जाएगा ना, देख लो। अब इसका यदि हम हटाएंगे यहां से तो ये H प्लस बाहर निकलेगा और साथ ही साथ क्या बचेगा H, ये CH ठीक है नेगेटिव चार्ज, और ये CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये यहां पे जाएगा जिससे क्या बन जाएगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, समझे? तो देख लो अल्फा हाइड्रोजन का केवल खेल है, अल्फा हाइड्रोजन तुमको पहचान ना आ रहा मुझे हाइपर कॉन्जुगेशन फिर कुछ नहीं, समझ में आया? लिखो हो गया, बोलो जी। अरे बोलो, वाह दादे, यानी कि ये मतलब हुआ मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर NBRS, लिखो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर NBRS, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी द NBRS, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, क्या लिखे? मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर मोर विल बी NBRS, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन। अब लिख तो रहे हम, लेकिन तुम दिमाग लगाओगे तो तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या बताओ, सबसे ज्यादा एल्कीन में यही होगा क्या? फिर ये होगा क्या, बोलो? हम बस कम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा ये पढ़े हो क्या, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो ना? ये क्या है, सिस है या ट्रांस है? अपोजिट में है ना, तो ट्रांस। ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात कैसे लिख रहे हैं?
CH2 CH3 है जी इधर, ठीक है। बोलो समझ में आया, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने, 3 × 6 = 9 9 10 कहाँ देख लिया, 3 × 6 = 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला बोलो 5 अल्फा हाइड्रोजन है ना, 2 और 3, इसका बताओ 3 और 1 4, इसका कितना, 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसका कितना, 2, इसका कितना, समझ में आया, देख लो
अल्फा हाइड्रोजन में कंफ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि फिर कहां पे ये वाला तीन, यहां तीन, यहां ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। अल्फा हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन sp3 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना जरूरी है, sp2 वाले को अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहते, ठीक है। और इसके बाद वाला, ये डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन ना, आधा घंटा लगेगा, आधा हुआ है अभी, आधा बाकी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन बना लो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। पहला लिखो 1-butene, ठीक है, पहला लिखो 1-butene, ठीक है। दूसरा लिखो, दूसरा 6-2-butene, तीसरा लिखो ट्रांस 2-butene, ठीक है। चौथा लिखो आइसोप्रोपीन, कॉमन नेम का इस्तेमाल होता है बहुत जी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये है, अब तुमको स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं आएगा, समझे। तो नोमेनक्लेचर का एप्लीकेशन कैसे होगा समझ में आया, और डायरेक्ट नहीं पूछा, डायरेक्ट बहुत कम पूछता है, पहले पूछता था डायरेक्ट, ठीक है, कि इसका नोमेनक्लेचर बताओ। अभी भी कभी काल आ जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम बंद हो गया है, लेकिन हाँ ये कॉमन नेम का जो है ना कॉन्सेप्ट, ये बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि कहीं भी जो इस्तेमाल होता है वो कॉमन नेम का ज्यादा इस्तेमाल करेगा इन कंपेरिजन टू IUPAC नेम, क्योंकि IUPAC नेम आसान होता है, वो कार्बन चेन वगैरह सेट करके तुरंत पता चल जाता है, लेकिन इसमें कॉमन नेम के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर नहीं बनेगा, समझे क्या क्या बोल रहा है। तो बनाओ, अब ट्राई करो एक बार, करो कोशिश। स्ट्रक्चर बना, क्या बनेगा 1-butene का स्ट्रक्चर, कौन आके बनाएगा 1-butene, कौन आके बनाएगा, हाँ बना। बन गया 2-butene, 6-2-butene कौन बनाएगा, 6-2-butene, ये तुम्हारा 1, 6-2-butene कौन बनाएगा, बोलो आओ, 6-2-butene, चलो ट्रांस कौन बनाएगा, ये दूसरा हो गया जी, सिस वाला हो गया, ट्रांस कौन बनाएगा, आ जाओ पीछे जाओ,
फॉस्फोब्यूटेन. चलो ट्रांस भी हो गया, ठीक है, वन ब्यूटीन भी हो गया. आइसोप्रोपीन कौन बनाएगा? चौथा आइसोप्रोपीन, बोलो जी, आओ भाई बनाओ. हाँ आइसोप्रोपीन, अब इसमें निकालो. सॉरी आइसोप्रोपीन लगता गलत छप गया है, आइसोब्यूटीन लिखना था जी, आइसोप्रोपीन नहीं होगा ना, आइसोब्यूटीन. अब तुम बनाए भी हो आइसोब्यूटीन, समझ आया? वो तब समझ में आया कि याद आया कि चार कार्बन तुम दे दिए. चलो ठीक, तो क्या बन गया? आइसोब्यूटीन बन गया, ठीक है. चारों स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने हैं. अब बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है. इसमें बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है. इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें सिक्स कैसा नजर आ रहा है यार? कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? लो पहले तो था कि अल्फा हाइड्रोजन से हो जाएगा, यहाँ छह के तीन में छह अल्फा हाइड्रोजन है. एक तो पहले निपट गया, कौन? पाला वाला, यानी सबसे लास्ट में कौन आएगा तुम्हारा? वन, ठीक है. और ये भी अपने को पता है सिस इज ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, यानी कि ये समझ में आ गया कि थ्री इज ग्रेटर देन टू, ठीक है, थ्री इज ग्रेटर देन टू. लेकिन इसका क्या? ऊपर से ये तो देखो सब सब छे अल्फा हाइड्रोजन वाले हैं. बताओ कैसे काम चलेगा? ट्रांस और सिस में तो क्लियर हो गया, ट्रांस होगा, यानी कि ट्रांस और इसमें ही कंपैरिजन करना है, यही बच गया ना. ट्रांस और इसमें ही कंपैरिजन कर लेते हैं, काम निकल जाएगा अपना, ठीक है, पता चल जाएगा. तो चलो बताओ, अब इसका इससे कर लो चाहे उसका उससे कर लो, समझ में आ जाएगा कि इस ये ज्यादा है उससे. यदि इससे करोगे ज्यादा निकला ये, तो फिर इससे देखना पड़ेगा, समझ में आया? और ये इसका यदि हम इससे कर लें, तो फिर यदि कम हो गया तो फिर इससे देखना पड़ेगा, ज्यादा हो गया तब तो ठीक है, उसके बाद तो सीक्वेंस है. चलो बोलो, बोलो जी कौन सा होगा? कहानी सुन, सुना है? अरे राम, ये कहानी है कहीं की तो है, ठीक है, जहां पे कुछ गिरोह का आतंक बढ़ा हुआ था. गिरोह मतलब समझते, मतलब कुछ वैसे ग्रुप, लोगों का ग्रुप जिसका आतंक बढ़ा हुआ था रात में, ठीक है. अब वो घूमते थे निकरा बनियान पहन के रात को, ठीक है. चार लोग रहते थे,
ठीक है, रात में पता चलता था जिसका घर खाली है गए, धुनाई उनाई करते थे, लूटपाट करते थे, निकल जाते थे। बात समझ में आया? मस्त एकदम, पैसे ही दो चार बार करते थे, मतलब करते थे उस पूरा कॉलोनी में, पूरा एरिया में। धीरे धीरे हल्ला होने लगा कि ऐसा कोई गिरोह है जो बनियान और निकर पहन के घूमता है, मारता भी है, सामान भी ले आता है घर से। ठीक है, अब देखो ऐसा समझ लो कि ये दोनों हैं भाई भाई, ठीक है, दोनों हैं भाई भाई, शादी से पहले रहते थे, एक साथ शादी होने के बाद हो गई इनमें जुदाई, ठीक है, तो अब दोनों रहने लगे हैं अलग अलग घर में। समझ में आया? तो पहली बार क्या हुआ, इसके घर पहुंचा। समझ में आया? इसके घर पहुंचा, कितने आदमी मिले? तीन। कितने आदमी थे? समझ आया? तीन। क्या हुआ, दंबर कूटा भी, ठीक है, मारा भी, सामान भी ले गया। समझ में आया? उसको भी लगा कि बड़ा पैसा वाला ही लोग है ये कॉलोनी में, थोड़ा सा अगले दिन फिर घूमते हैं। अब अगले दिन जो है वो घूम के पहुंचा इस घर पे, कितने आदमी, किनका हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वो कितने थे, ये कितने हैं? समझ में आया? तो वो पीट के इस बार नहीं निकले, वो पिटा के निकले गंभीर हालत में। समझ में आया? इससे हमको क्या सीखने को मिलता है, एकता में शक्ति है। और ये कौन सी एकता है, वो एकता कपूर स्टार प्लस वाली नहीं, ठीक है, ये यूनिटी। समझ में आया? तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। एक कार्बन पे ही यदि एक से ज्यादा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू टू एडजेसेंट कार्बन पे यदि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो। समझ में आया? तो लिख लेना, अकॉर्डिंग टू एकता में शक्ति है, हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा इसी पे चलता है, एकता में शक्ति है, बस संपला। हाँ, एकता मंजे यूनिटी, वो एकता नहीं, ठीक है। तो आंसर बताओ क्या हो जाएगा, सबसे पहले यानी कि फोर, ठीक है, फोर के बाद कौन सा हो जाएगा, थ्री, थ्री के बाद तुम्हारा हो जाएगा टू, और टू के बाद हो जाएगा वन। जाला, तो इस प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन का समापन होता है, ठीक है। सीट दिए थे जेरोक्स के लिए, अभी तक आया नहीं है, चलो एक दो और कर लो क्वेश्चन, कुछ कर लो। हालांकि इससे इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन का नहीं बचता है, सब फिर बन जाएगा, सब मिटा दे इसको, ठीक है। देखो जैसे कि अब तुम, हाँ अब तुमको अल्फा हाइड्रोजन तो आना चाहिए निकालने, अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकाल सके तब तो फिर ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब जैसे ये तुम्हारा सी एच थ्री, या ऐसा देते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड, ये ए है और ये तुम्हारा बी है। चलो इसमें कंपेयर करो, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन देते हैं ए में तुम्हारा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, बी में तुम्हारा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और सी में तुम्हारा सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और ये सी एच थ्री। चलो बताओ, एकता में शक्ति है, लिखे कि नहीं, लिख लेना जो बता रहे हैं एकदम, क्योंकि वो एग्जाम में नीट वाला ये नहीं पूछता है कि तुम कैसे बनाए हो, ये पूछता है सही बनाए हो कि नहीं, ठीक है। चलो बताओ कौन सा होगा, जल्दी बोलो, पहला में कौन सा होगा आंसर, ए ग्रेटर देन, पक्का, कैसे? हाँ समझ में आया, इस कार्बन पे देखो कितने, इसमें चार अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, चार अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इस वाले में इस कार्बन पे चार है,
समझ में आया? और इसमें देखो दो, इसके इधर दो है और दो इधर, तो कौन जीतेगा? ये वाला, ये हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब इसमें बताओ क्या होगा, सी बी ए, इसमें तो अब अंधे को भी नजर आना चाहिए, ठीक है? तो चलो आज तक में जो अब तुमको डाउट है वो पूछ लो, ठीक है? हम थोड़ा सा हम समय इसीलिए तुमको दे रहे हैं अभी दो दिन से, ठीक है, ताकि तुम अपना अभी जो डाउट सेशन तुम्हारा नहीं हो पा रहा है ना, तो वो वाला तुम कवर कर लो अपना। बोलो, बी और सी में इधर छह अल्फा हाइड्रोजन, इधर तीन अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, अब आज चश्मा पहनी है फिर भी नहीं नजर आ रहा है, हो गया? चलो ठीक, करो, बताओ अभी जो जो प्रॉब्लम है, अभी 10 मिनट टाइम, ठीक है, जो जो है अपना क्लियर कर लो, और सीट नहीं होगा तो थोड़ा देर में आ ही जाएगा, और सीट बनाया करो, डाउट पूछा करो उसका, सीट वाला, ठीक है।